52 साल के एक्टर अक्षय कुमार ने आज जो शोहरत कमाई है वो किसी भी नॉन फिल्मी एक्टर के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से अक्षय ने ये साबित कर दिया है कि वो ही बॉलीवुड के सच्चे खिलाड़ी हैं। अक्षय कुमार का करियर तब इस्टेब्लिश हो रहा था जब हिंदी सिनेमा में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की टूटी बोलती थी, जहां इन तीनों खानों के सामने किसी भी एक्टर को अपने पांव जमाना आसान नहीं था। लेकिन अकी एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इन तीनों खानों से सीधे तौर पर पंगा लिया और खान एक्टर्स को कड़ी टक्कर दी। साल 1996 में अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी आया था। ये वो साल था जब आमिर खान की फिल्म राजा हिंदुस्तानी ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और इसी साल सनी देओल की फिल्म घातक और सलमान की खामोशी आई थी, जहां ये तीनों फिल्में सुपरहिट साबित हुई थी। वहीं इन सब के बीच अक्षय कुमार ने भी अपनी फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी से भी खूब वाहवाही बटोरी, जहां उन्होंने अपने से दुगने उम्र की बड़ी एक्ट्रेस रेखा के साथ हॉट सीन फिल्माया था। इस फिल्म में अक्षय और रेखा के साथ एक गाना इन द नाइट फिल्माया गया था, जहां रेखा और अक्षय के बीच की केमिस्ट्री देखकर थिएटर में खूब सीटियां बजी थी। वहीं इस फिल्म के बाद अक्षय और रेखा का लव अफेयर भी काफी सेंसुअल हुआ था। इस तरह देखा जाए तो बड़े पर्दे पर रेखा जैसी एक्ट्रेस के साथ रोमांस करने का क्रेडिट खान एक्ट्रेस की जगह सिर्फ अक्षय कुमार को मिला। इसके अलावा आज अक्षय कुमार के पास इतनी फिल्मों के ऑफर है जितनी खान एक्टर सोच भी नहीं सकते हैं। वहीं अक्षय कुमार ने सबसे ज्यादा टैक्स भरने का रिकॉर्ड भी बनाया है, जो काबिले तारीफ है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड की सभी चटपटी और मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।